हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल ऑफ अध्ययन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। हम लोग एरिया अंडर द कर्व कर रहे हैं, जिसमें लास्ट लेक्चर में हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे और दो क्वेश्चन भी किए थे। लास्ट लेक्चर में हम लोग ये सीखे थे कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कब लेना है, वर्टिकल स्ट्रिप कब लेना है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से कैसे एरिया बनेगा और वर्टिकल स्ट्रिप से कौन सा पार्ट पोर्शन का एरिया बनेगा। उसके अलावा पॉजिटिव एरिया क्या होता है, नेगेटिव एरिया क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। ये सब कॉन्सेप्ट करने के बाद हम लोग दो क्वेश्चन किए थे, ठीक है। उसमें ये भी एक क्वेश्चन किए थे कि जो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, वो कहाँ से आता है, ठीक है ना। तो उसके अलावा हम लोग आज उसी से आगे और प्रोसीड करेंगे, क्लियर है। तो चलो, ये आज का क्वेश्चन है हम लोग का कि फाइंड द एरिया इनक्लोज बाई द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। ये हम लोग को पता ही है कि ये किसका एरिया है, ये इलिप्स का एरिया होता है, ठीक है ना। तो इलिप्स का एरिया हम लोग इलिप्स का इक्वेशन होता है। तो ये इलिप्स का इक्वेशन है, इससे हम लोग को इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। इसका ग्राफ इसी लेक्चर में बताया गया था, लास्ट लेक्चर में, ठीक है ना, बेसिक लेक्चर में कैसे होता है, ठीक है ना। ये मान लो कि यहाँ है मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस बी है, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसा इलिप्स बनेगा हम लोग के सामने, ठीक है। अच्छा, तो इलिप्स बनेगा, तो यहाँ पर इसका एरिया, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए कॉमा जीरो, और इसका क्या होगा, माइनस ए कॉमा जीरो। उसी तरह इसका क्या होगा, जीरो कॉमा बी और जीरो माइनस बी, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद ये एक्स एक्स डैश और ये वाई वाई डैश, क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग को इसमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो अगर ध्यान से देखें तो हम लोग को ये पता चलेगा कि ये चारों पोर्शन सेम है, ठीक है ना, सिमेट्रिक है। तो किसी एक पोर्शन का अगर एरिया हम लोग निकाल लेते हैं और इंटू फोर कर देंगे तो पूरे पोर्शन का एरिया निकल जाएगा, पूरे एलिप्स का एरिया निकल जाएगा, जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोग सर्कल के लिए किए थे, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग वही चीज़ करते हैं अभी। तो इसमें क्या करते हैं, इसको दो तरीका है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप या वर्टिकल स्ट्रिप, जो मन करे ले सकते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वर्टिकल स्ट्रिप लेकर ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वर्टिकल स्ट्रिप हो जाएगा। अब वर्टिकल स्ट्रिप हो जाएगा तो जब सेम वर्टिकल स्ट्रिप होगा, हम लोग यहाँ पर एरिया क्या लिखेंगे, एरिया हम लोग लिखेंगे, एरिया इक्वल टू, वर्टिकल स्ट्रिप हुआ तो dx होगा और यहाँ y होगा, y इंटू डी एक्स। और जब यहाँ dx हुआ तो यहाँ x इक्वल टू x का वैल्यू लिखेंगे, तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ रख जाएंगे, हम लोग बस इसका एरिया निकाल रहे हैं, इतने का एरिया हम लोग अभी बात कर रहे हैं, तो जीरो टू a तक, ठीक है ना। तो x इक्वल टू जीरो टू x इक्वल टू ए तक, क्लियर है। अच्छा, तो अब बात आता है कि y, y क्या होगा, तो y का वैल्यू हम लोग को यहाँ से निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो y का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ मुश्किल काम नहीं है y का वैल्यू निकालना। ये हम लोग का हो जाएगा, मान लो कि ये इक्वेशन जो दिया हुआ है, तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अच्छा, वाई स्क्वायर अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा अगर देखा जाए तो, और सॉरी बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो वाई का वैल्यू यहाँ से हम लोग का मिल जाएगा क्या, बी बाई ए, ठीक है, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वही वाई का वैल्यू यहाँ पुट कर दे रहा हूँ मैं, बी बाई ए रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और एक्स का वैल्यू जीरो से ए तक, क्लियर है। अच्छा, बी बाई ए तो कांस्टेंट है, इसको बाहर फेंक देंगे, जीरो टू ए, और यहाँ रूट में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना। बी बाई ए तो बाहर रहेगा। अच्छा, और यहाँ पर इसका वैल्यू, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या होता है, एक्स बाई टू, ठीक है, और जो क्वेश्चन है वो लिखना पड़ता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है ना, और ये जीरो टू ए हो जाएगा, क्लियर है। यानी कि बी बाई ए इधर जाएगा, और फिर यहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे, देखो यहाँ पर जैसे पुट करेंगे एक्स के जगह पे ए स्क्वायर, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पर, एक्स के जगह पे ए पुट किया तो ए बाई टू इंटू ये जीरो, फिर प्लस, ठीक है, ए स्क्वायर बाई टू होगा,
ठीक है, और साइन इनवर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स का वैल्यू अगर ए पुट करेंगे तो ए बाई ए वन हो जाएगा, ठीक है, तो साइन इनवर्स वन, ठीक है। फिर माइनस वाला स्टार्ट करेंगे, माइनस वाला स्टार्ट करेंगे तो जीरो पुट करेंगे तो ये पूरा तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ भी साइन इनवर्स जीरो जीरो हो जाएगा, तो माइनस जीरो, ठीक है। अच्छा, तो यानी कि कुल मिलाकर हम लोग का एरिया क्या आएगा, बी बाई ए, ठीक है, ये तो जीरो हो जाएगा, और साइन इनवर्स वन क्या होता है, पाई बाई टू, मतलब ए स्क्वायर बाई टू इंटू पाई बाई टू ये हो जाएगा, और ये माइनस जीरो तो खत्म हो गया। तो फाइनली हम लोग का हो गया ए बाई टू बी बाई ए इंटू ए स्क्वायर इंटू पाई बाई फोर, ठीक है, ये आ गया। अब ये हम लोग का एरिया है कितने का, एक स्ट्रिप का एरिया है, तो हम लोग को टोटल एरिया निकालना है ना, इसीलिए टोटल एरिया का बात किया जाए तो क्या करेंगे, फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फोर इंटू बी बाई ए, फोर इंटू बी बाई ए स्क्वायर इंटू पाई बाई फोर, ये फोर फोर कैंसिल हो जाएगा और ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा क्या हम लोग का यहाँ पर पाई ए बी, तो पाई ए बी ही हम लोग का एरिया होगा टोटल ये इलिप्स का, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना, तो पाई ए बी स्क्वायर यूनिट होगा किसका, इस इलिप्स का एरिया, जिसका इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, क्लियर है, आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी विद वर्टिसेस आर, वर्टिसेस आर 2, 3, 4, 7 एंड 6, 2, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोले तो कंपटीशन में तो ऐसा क्वेश्चन पूछने का, यूजिंग यहाँ पर लिख दिया जाएगा, यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है ना, यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड, यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई का जो बोर्ड होता है, अभी 12 का बोर्ड आप लोग जो दोगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल इसका एक क्वेश्चन 6-6 मार्क्स का रहता ही रहता है, ठीक है ना, तो अगर ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसका निकालने का, इसका एरिया निकालने का बहुत सारा तरीका है, डिटर्मिनेंट मेथड है और डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आए, कंपटीशन एग्जाम में तो कभी आएगा नहीं इतना आसान सा क्वेश्चन, ठीक है, अगर आए तो हम लोग दूसरे मेथड से निकाल लेंगे, ठीक है, और अगर बोर्ड में आ रहा है तो आप लोग क्या करो, पहले डिटर्मिनेंट मेथड से इसका वैल्यू निकाल लो साइड में, और फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट मेथड से जब वैल्यू निकल जाएगा तो फिर बाकी यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड से अभी जैसे मैं हम लोग सीखेंगे वैसे निकाल लेना है, और फिर मैच करा लेना है कि दोनों आंसर सही है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इस पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो जैसे मान लो कि यहाँ पर वन होगा, ये मान लो टू हो गया, ये थ्री हो गया, ये फोर, ये फाइव, सिक्स, उसी तरह ऊपर भी मान लो वन टू थ्री ऐसे फोर, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट क्या है, वन एक्स में टू वाई में थ्री, मान लो कि यहाँ पर है, ठीक है, तो ये हम लोग का ए पॉइंट हो गया। फिर बी कहाँ पे है, फोर और सेवन, फोर और सेवन, एक्स में फोर वाई में सेवन, कहीं यहाँ पर जाएगा मान लो, ठीक है ना, फोर और सेवन, तो यहाँ पर कहीं रहेगा, तो ये बी पॉइंट हो गया। सी पॉइंट, सी पॉइंट क्या है, एक्स में सिक्स और वाई में टू, मतलब कि यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया, तो ये हम लोग का सी पॉइंट हो गया। तो यही एक ट्रायंगल बन रहा है इस तरह से, इसी ट्रायंगल का एरिया हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम इसमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ए बी सी, ए बी सी का सबका, ए बी बी सी और ए सी का क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन निकालना पड़ेगा। जैसे ये टू थ्री है, यहाँ फोर सेवन है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 6,2 है। तो इस मेथड से हम लोग सबसे पहले इसका इक्वेशन निकालते हैं। तो पहला चीज़ क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी, ए बी का इक्वेशन निकालते हैं। तो ए बी का इक्वेशन हम लोग को पता है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैं फॉर्मूला पहले लिख दे रहा हूँ, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, 2.4, ठीक है ना, ये क्लास 11th में हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर स्लोप जो होता है, स्लोप का m का फॉर्मूला क्या होता है, y2 टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। अब इसके बेसिस पे ए बी का बात किया जाए तो क्या लिखेंगे, y माइनस वाई वन, वाई वन कितना है, 3 है, ठीक है ना, इक्वल टू m, m अब बात करते हैं तो m क्या हो जाएगा, y2 टू माइनस वाई वन यानी 7-3, ठीक है, 7-3 बाई 4-2, y2 टू बाई वाई वन
बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, ये लिख दिए। फिर x माइनस एक्स वन कितना है, टू है, टू लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोग का, टू एक्स माइनस वन, ठीक है। तो ये हम लोग का एक इक्वेशन बन गया किसका, ए बी का। उसी तरह अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ बी सी का, इक्वेशन ऑफ बी सी सेम फॉर्मूला, वाई माइनस बी सी, वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस सेवन लिखेंगे इक्वल टू एम। अब एम का बात चल रहा है तो एम वाई टू माइनस वाई वन यानी कि टू माइनस सेवन, तो टू माइनस सेवन लिखेंगे बाई एक्स टू माइनस एक्स वन यानी कि सिक्स माइनस फोर, ये लिख दिए, ठीक है। अब उसके आगे बात करेंगे हम लोग क्या, एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। तो एक्स का एक्स लिखेंगे और एक्स माइनस एक्स वन कितना है, फोर है, फोर लिख देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का इक्वेशन कितना आ जाएगा, वाई इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू एक्स प्लस सेवनटीन, तो ये हम लोग का इक्वेशन बन गया यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरा चलो, अब बाकी बच गया कौन सा, ए सी। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो रहा है लेकिन डरना नहीं है, इक्वेशन ऑफ ए सी। अब इक्वेशन ऑफ ए सी के लिए बात करें तो क्या लिखेंगे, वाई माइनस वाई वन, वाई वन कितना है, वाई वन कितना है, थ्री है, इक्वल टू एम। तो फिर इसके लिए भी एम, वाई टू माइनस वाई वन यानी कि टू माइनस थ्री, ठीक है। तो टू माइनस थ्री बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, सिक्स माइनस टू, ठीक है ना, सिक्स यहाँ पर है, सिक्स माइनस टू। और फिर एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन कितना है, टू है। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का वैल्यू कितना आ जाएगा, वाई इक्वल टू माइनस वन बाई फोर एक्स प्लस सेवन बाई टू, ठीक है। अब ये तीनों लाइन का इक्वेशन मिल गया। अब इसके अलावा हम लोग को अब देखो एरिया कैसे फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए देखो क्या करेंगे हम लोग, कि सबसे पहले हम लोग ए बी को लेंगे, ठीक है ना। ए बी अगर लाइन को लेंगे तो ए बी से हम लोग कितना, कौन सा एरिया निकल जाएगा, यहाँ से देखो ध्यान से, ए बी पॉइंट लेने के बाद ए बी से हम लोग का ये वाला एरिया निकल जाएगा, ठीक है ना, ये पूरा एरिया निकल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बी सी लेंगे तो बी सी लेने के बाद ये पूरा एरिया निकल जाएगा, ठीक है, बी सी लेने पर ये पूरा एरिया निकल जाएगा। तो हम लोग को तो पूरा चाहिए नहीं, हम लोग तो चाहिए केवल ये ट्रेंगल वाला, तो फिर माइनस ए सी कर देंगे तो ये सब एरिया कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो बाकी ए सी हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग को आगे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आगे देखो, आगे अब लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी, एरिया ऑफ द ट्रेंगल ए बी सी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, कहाँ से कहाँ तक, टू टू फोर, पहले चेक कर लेते हैं कहाँ से कहाँ तक था, टू टू फोर, देखो यहाँ से कहाँ तक, टू टू फोर और फोर टू सिक्स, ठीक है, ए बी बी सी और ए सी। तो पहला चीज़ क्या लिखेंगे, टू टू फोर, ठीक है ना, टू टू फोर वाई ऑफ ए बी डी एक्स, फिर प्लस फोर टू सिक्स वाई ऑफ किसका, बी सी डी एक्स, प्लस फिर क्या लिखेंगे, टू टू सिक्स, प्लस नहीं, अब इसके माइनस लिखना पड़ेगा क्योंकि ए सी है, वाई ऑफ ए सी जिसको हम लोग को हटाना है, अभी मैं जिसको जैसे बताया था, ठीक है ना, ये चीज़ लिख देंगे। अब बात करते हैं अब इसका, बस सिंपल सा वाई ए बी का वैल्यू पुट कर देना है। तो टू टू फोर वाई ऑफ ए बी, ए बी का वैल्यू चेक कर लो यहाँ पर क्या था, वाई ऑफ ए बी, ए बी का वैल्यू कितना था, ये ए बी का है हम लोग का, ये बी सी है और ये वाई किसका है, ए सी है, ठीक है। तो वहाँ पर वैल्यू पुट कर देना है यानी कि टू एक्स माइनस वन हो जाएगा, तो टू एक्स माइनस वन लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, टू एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस फिर फोर टू सिक्स, इसका वैल्यू कितना आएगा, माइनस फाइव बाई टू एक्स प्लस सेवनटीन, और यहाँ पे क्या होगा, डी एक्स। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे अभी हम लोग, टू टू सिक्स, अब वाई ऑफ ए सी कितना था, माइनस वन बाई फोर एक्स प्लस सेवन बाई टू, और ये डी एक्स, क्लियर है। बस सिंपल से इसको इंटीग्रेट करना है और वैल्यू पुट कर देना है। तो पहले का इंटीग्रेशन जो हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर टू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, टू टू फोर। फिर उसी तरह इसको करेंगे तो माइनस फाइव बाई टू एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है ना, प्लस सेवनटीन एक्स, और कहाँ से कहाँ तक लिमिट इसका, फोर टू सिक्स। फिर माइनस हम लोग करेंगे क्या, माइनस वन बाई फोर एक्स स्क्वायर बाई टू, क्लियर है, और प्लस सेवन बाई टू एक्स, और कहाँ से कहाँ तक, टू टू सिक्स तक, ये हो गया।
अच्छा, अब इसके बाद ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा और लिमिट पुट करना है और वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें लिमिट पुट करेंगे तो 4 4 जाए, ये कितना हो जाएगा 16, 16 माइनस 4 ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो 12 तो पहला ऊपर वाला के क्या जाएगा 12, और माइनस 2 पुट करेंगे तो 2 2 जाए 4 माइनस 2 मतलब कि 2, ये फर्स्ट बॉक्स का काम खत्म। फिर प्लस इसी तरह बात करेंगे इसमें तो 6 बात करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये और माइनस, तो ये माइनस अगर है ठीक है ना, तो फिर यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 5/6 जो है, हाँ तो ये माइनस 5/2 एक्स स्क्वायर, और फिर इसको सॉल्व करेंगे जब एक्स का, तो यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू कितना 57, ठीक है। और फिर जब 4 वाला पुट करेंगे माइनस करके तो उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना हम लोग का वैल्यू 50 48, क्लियर है। फिर माइनस, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके लिए क्या हो जाएगा 33/2 माइनस 13/2, ठीक है। और ये सबका एक बाद में यहाँ पर ब्रैकेट में डाल दे रहा हूँ कि ये सबको हम लोग को एक बार सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इतना स्क्वायर यूनिट हम लोग का एरिया आएगा, अभी इसको सॉल्व कर लेना है चुपचाप। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 10, और फिर ये पूरा मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ से आप लोग तो कर ही सकते हो। ये हो जाएगा हम लोग का 9 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना, यहाँ पे क्या आएगा ये स्क्वायर यूनिट। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ये सब कैलकुलेशन आप लोग खुद से कर सकते हो, खुद से कर लेना, कोई मुश्किल काम नहीं है। पहले बात क्या करना है यहाँ पर 6 पर, चलो मैं इसको एक बार, अगर किसी को दिक्कत हो रहा होगा तो इसको मैं एक बार कर दे रहा हूँ। देखो माइनस 5/2 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है, बाई 2 प्लस 17 इंटू 6 ये हो गया। तो अब देखो ये, अब इसको हम लोग करेंगे तो 4 3 ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 3 3 जा 9, 9 5 जा माइनस 45, और ये प्लस 102, तो ये मिलकर कितना हो जाएगा 57 आ जाएगा, तो इसलिए 57 यहाँ लिख दिया गया है, ठीक है ना। उसी तरह फिर 4 पुट करेंगे माइनस करके तो 48 आ जाएगा, इस तरह 9 स्क्वायर यूनिट हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा इसका, क्लियर है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द एरिया बाउंडेड बिटवीन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। अच्छा, अब लेटेस्ट रेक्टम मैं शुरू में ही बता चुका हूँ कि बेसिक क्लास में कि ऐसा हम लोग का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन बनेगा मतलब कि सबसे पहले तो वाई स्क्वायर, वाई की किसी वैल्यू पे एक्स पॉजिटिव है, यानी कि पैराबोला हम लोग कैसे होगा, पैराबोला कुछ ऐसे होगा, ठीक है ना। अब इसका लेटेस्ट रेक्टम, तो लेटेस्ट रेक्टम का मतलब क्या है, ये यहाँ पर 1,0 जो फोकस है उसी से जो कॉर्ड पास होगा, ठीक है ना, डबल ऑर्डिनेट जो पास होगा उसी को हम लोग बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। तो ये लेटेस्ट रेक्टम हो गया, इसका लेंथ 4a होता है ये भी हम लोग को पता है। तो बस इसी के बीच का एरिया निकालना है हम लोग को, तो अगर हम लोग को दोनों निकालना है, ये पूरा एरिया निकालना है, तो हम लोग एक एरिया निकाल कर उसका इंटू 2 कर देंगे तो पूरा एरिया निकल जाएगा, ठीक है ना। तो फिर एरिया हम लोग निकालेंगे, और इसमें भी मैं क्या कर रहा हूँ, वर्टिकल स्ट्रिप ले ले रहा हूँ, ठीक है ना, वर्टिकल स्ट्रिप, वर्टिकल स्ट्रिप से आसानी से ये बन जाएगा। तो वर्टिकल स्ट्रिप जैसे मैं लूँगा तो क्या लिखूँगा, फिर वर्टिकल स्ट्रिप में एरिया क्या लिखूँगा, फिर यहाँ पर वाई डी एक्स, और फिर यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, ए एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर 0 ही है ना, एक्स इक्वल टू 0 से कहाँ तक, ए तक, एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू ए, क्लियर है। अब बात आता है कि वाई का वैल्यू, तो वाई का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो वाई इक्वल टू कितना आएगा, रूट 4ax आएगा, यानी कि 2√a और रूट एक्स आएगा, यही आएगा ना। तो 2√ax तो ये हम लोग का कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो इसको बाहर कर देंगे, यानी कि 2, यानी कि 2√a, 2√a को बाहर कर दिया। पहले चलो एक बार लिख दे रहा हूँ मैं, पहले इसको लिख दे रहा हूँ एक बार, यहाँ 0 to a जाएंगे, y का वैल्यू क्या लिखेंगे, 2√a रूट एक्स डी एक्स, ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं, 2√a को बाहर कर दिया और 0 to a रूट एक्स डी एक्स कर दिया, ठीक है ना। फिर 2√a, अब x का इंटीग्रेशन हम लोग को पता है क्या हो जाएगा, 3/2, और नीचे क्या हो जाएगा, 3/2, ठीक है। और यहाँ पर लिमिट भी हो जाएगा हम लोग का कितना, 0 to a, तो ये 2√a इंटू 2/3 हो जाएगा, और यहाँ लिमिट पुट करेंगे हम लोग तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो a का वैल्यू 3/2 हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, 4, और ये a
फोर बाई थ्री हो जाएगा, और ये ए का पावर वन बाई टू प्लस थ्री बाई टू मिलकर कितना हो जाएगा, फोर बाई थ्री, एक सेकेंड नीचे लिख दे रहा हूँ, कितना हो जाएगा, फोर बाई थ्री ए फोर हो जाएगा, ए फोर नहीं, ए फोर बाई टू, ए फोर बाई टू मतलब ए स्क्वायर। तो ये हम लोग का एरिया आ गया कितना, एक एक स्ट्रिप का मतलब यहाँ से यहाँ तक का ऊपर का। तो टोटल एरिया निकालना होगा, तो क्या लिखेंगे, टोटल एरिया, टोटल एरिया इक्वल टू टू इंटू फोर बाई थ्री, और ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि फाइनली हम लोग कितना आ जाएगा, एट बाई थ्री ए स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को सिंपल सा कैलकुलेशन है, आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x एंड द लाइन x इक्वल टू 4। ये भी ऑलमोस्ट उसी टाइप का सेम क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, ये सेम क्वेश्चन हो गया, ये प्रैक्टिस के लिए मान के चलो। तो x इक्वल टू 4 मान लो यहाँ पर है, ठीक है ना, x इक्वल टू 4 है, y के किसी वैल्यू पर x पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, अब ये 0 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, बस कुछ करना ही नहीं है इसमें भी। तो इसमें भी एरिया कर लेंगे, इसमें भी वर्टिकल स्ट्रिप ले ले रहे हैं, और इसका निकाल कर इंटू 2 कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एरिया 0 से 4, ठीक है ना, क्योंकि 0 से 4, 4 x इक्वल टू 4 दे ही दिया, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। तो 0 से 4 और y dx, और y का वैल्यू यहाँ से फिर कितना आ जाएगा, रूट 16x, तो मतलब कि 4 रूट एक्स आ जाएगा, क्लियर है। तो फिर यहाँ पर 0 टू 4 कर देंगे और y का वैल्यू क्या लिखेंगे, 4 रूट एक्स डी एक्स, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो 4 बाहर चला जाएगा और 0 टू 4 बचेगा, फिर रूट एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन तो एकदम बच्चा वाला है, x का वैल्यू 3 बाई टू बाई 3 बाई टू, ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक, 0 टू 4, तो ये 4 हो जाएगा और ये 2 ऊपर, ये 3 नीचे, और x का वैल्यू 3 बाई टू, क्लियर है, 0 टू 4। तो बस सॉल्व कर लो इसको फटाक से, ये 8 बाई 3 हो गया इंटू, अब देखो यहाँ पर अब x का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 4 टू दी पावर 3 बाई टू, तो इसको सॉल्व कर लेना है। तो 8 बाई 3 इंटू कितना होगा, यहाँ इसका मतलब देखो 4 इंटू 4 इंटू 4, और इसका स्क्वायर रूट 4 इंटू 4 इंटू 3 बार क्यों किया, क्योंकि पावर में 3 है। अच्छा, तो 8 बाई 3 इंटू यहाँ से 2 निकलेगा, 2 निकलेगा और 2 निकलेगा, इससे भी 2, इससे भी 2, इससे भी 2, तो ये 8 8 8 या 64, तो फाइनली कितना आएगा, 64 बाई 3। लेकिन 64 बाई 3 स्क्वायर यूनिट, ये टोटल एरिया नहीं निकला, ये कितना निकला, बस ऊपर वाले का निकला, तो यहीं पर मैं बोल दे रहा हूँ। तो सो टोटल एरिया, टोटल एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 64 बाई 3, मतलब कितना हो जाएगा ये, 128 बाई 3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना, ये हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर, 128 बाई 3 स्क्वायर यूनिट, क्लियर है। आई होप आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, कुछ मुश्किल नहीं था, जो पहले वाला था सेम उसी टाइप का ये भी था, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, ये क्वेश्चन देखो, फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन एक्स स्क्वायर लेस देन 4 और लेस देन इक्वल टू एक्स, इसका मतलब देखो समझना क्या है। अब इसका मतलब ये है कि सबसे पहले इसका ग्राफ हम लोग अगर इक्वेशन बात किया जाए, इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, और क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू एक्स। तो ये तो पैराबोला हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स के किसी वैल्यू पे वाई पॉजिटिव है, मतलब कि पैराबोला कैसे बनेगा, इस बार का पैराबोला ऐसे बनेगा, ठीक है ना, ये पैराबोला बन गया। अब वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स का भी हम लोग को पता है कि कैसा इक्वेशन बनता है, कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। तो बस इसी का एरिया फाइंड करना है, इसी के बीच का, मतलब एरिया कौन सा फाइंड करना है, एरिया हम लोग को ये वाला फाइंड करना है, ठीक है, ये वाला एरिया इसी दोनों के बीच में। तो देखो सबसे ऊपर वाला ग्राफ कौन सा है, लाइन का, वाई इक्वल टू एक्स का। तो हम लोग क्या करेंगे, वाई इक्वल टू लाइन का एक्स का ग्राफ, सबसे पहले यहाँ पर तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन पॉइंट लेंगे और वर्टिकल स्ट्रिप ही ले लेंगे, इसमें भी वर्टिकल स्ट्रिप अगर मान लो ले लेंगे, तो हम लोग एरिया क्या लिख सकते हैं, एरिया इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू जीरो से, जीरो से कहाँ तक, तो इसके लिए हम लोग को पहले ये चीज़ निकालना पड़ेगा। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं इन दोनों इक्वेशन को। तो मान लो कि ये एक्स यहाँ पुट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू जीरो और वन आ जाएगा, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो और वन। तो हम लोग को मिल गया, हम लोग को एक्स के वैल्यू से ही मतलब है, वाई का जरूरत भी नहीं है, वाई कुछ भी हम लोग को मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो एक्स इक्वल टू जीरो से वन लिख लेंगे और वाई डी एक्स लिख लेंगे, क्लियर है। और वाई का वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे, तो देखो वाई का वैल्यू अब
हम लोग का ये एरिया नहीं हुआ अभी, फाइनल एरिया हम लोग को, रुक जाए एक मिनट मैं नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि इधर जगह नहीं है। फाइनल एरिया अगर हम लोग बात करेंगे तो देखना क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ वाई इक्वल टू एक्स है तो एरिया अगर हम लोग बात करें तो एरिया देखना क्या होगा। सबसे पहले हम लोग वाई वाई ऑफ लाइन, ठीक है ना, वाई लाइन के लिए और डी एक्स कहाँ से कहाँ तक, जीरो टे एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू वन। तो अब देखो इसका मतलब केवल लाइन के नीचे पूरा एरिया हम लोग को निकल गया, पूरा एरिया ये देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ ना ये पूरा एरिया निकल गया, ठीक है। लेकिन पूरा एरिया चाहिए क्या हम लोग को, नहीं चाहिए हम लोग को, तो बस इन दोनों के बीच का एरिया मतलब ये वाला एरिया चाहिए, बस इतना ही एरिया तो हम लोग को चाहिए, ठीक है। तो क्या करें फिर, माइनस करें और क्या करें, वाई किसका, पैराबोला का, तो पैराबोला का माइनस करेंगे तो पैराबोला के नीचे वाला एरिया जो भी बचा वो माइनस हो जाएगा। कौन सा एरिया माइनस हो जाएगा, ये वाला सब एरिया माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो बच जाएगा वो वाला, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, x इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू वन और डी एक्स, क्लियर है कि नहीं। अब y लाइन, लाइन का y का वैल्यू क्या है, x है, तो x डी एक्स करेंगे फिर माइनस यहाँ पर x इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू वन, फिर यहाँ पर क्या करेंगे जीरो टू वन और पैराबोला, पैराबोला का वैल्यू को y का क्या है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर डी एक्स, बस बात खत्म। अब इसको इंटीग्रेट कर लो तो एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा और कहाँ से कहाँ तक, जीरो टू वन, फिर माइनस, फिर इसको इंटीग्रेट कर लो इसको हो जाएगा क्या एक्स क्यू बाई थ्री और कहाँ से कहाँ तक, जीरो टू वन, ठीक है। तो अब बस वैल्यू पुट कर दो, तो x का वैल्यू अगर वन पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर वन बाई टू, फिर माइनस, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा वन बाई, यहाँ पर वन पुट करेंगे तो वन बाई, क्योंकि जीरो पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। चलो मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, फिर माइनस वन बाई थ्री, वन पुट करेंगे तो वन बाई थ्री माइनस जीरो, यानी कि फाइनली क्या आएगा वन बाई टू माइनस वन बाई थ्री, जो कि हो जाएगा वन बाई सिक्स स्क्वायर यूनिट। ये जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पहले कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में आ चुका है, एनडीए में भी आ चुका है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस तरह से हम लोग को एरिया निकालना है, पहले के लेक्चर में ग्राफ बताया था, दूसरे लेक्चर में कुछ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और एक दो क्वेश्चन बताया था मैं, अभी ये थर्ड लेक्चर में यही हुआ कि कैसे एरिया फाइंड करते हैं, अब कुछ समझ में आना शुरू हुआ होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड हमें कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा अभी के नेक्स्ट के लेक्चर में, और फिर कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये सब समझ में आ रहा है, कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, जो भी डाउट होगा उसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। ओके, थैंक यू।